और JM फाइनेंशियल के राहुल शर्मा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। क्या कह रहा है ये प्राइस पैटर्न? क्या वो जो पहले एक वार्निंग आई थी करेक्शन की, फिर वो वापस हमने ऑल टाइम हाई लगा दिया था, क्या फिर से एक वार्निंग मिल रही है या फिर ये भी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी? जी, मेरे हिसाब से जो एक करेक्शन की एक्सपेक्टेशन थी, और करेक्शंस मेरा मानना है कि ब्रॉडर मार्केट, ब्रॉडर स्कीम ऑफ थिंग्स में हेल्दी है, सेटअप को और स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये करेक्शन एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। मंथली एक्सपायरी के पहले अगर शुरू हो गया है तो एक अच्छा संकेत है। और जो सपोर्ट लेवल से, जहां पर बायर्स को बाय ऑर्डर के बाद रेडी रहना है, दो लेवल्स है नीचे में। 21,700 का एक लेवल है, और 21,700 अगर टूटा तो 21,530, ये दो लेवल से 21,530 आने के चांसेस कम है। काफी चांसेस है कि 21,700 से हम घूम सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि 21,700 पर रिस्क रिवॉर्ड वापस फेवरेबल होते हैं लॉन्ग पोजीशंस के लिए, और मार्केट वापस रिवर्स होता दिखेगा हमें। तो ओवरऑल जो अंडरटोन है, जो टेक्सचर है मार्केट का, वो बाय ऑन डिप है। और हमें लगता है कि ये करेक्शन के बाद, खास करके जो मार्च सीरीज में बाउंस बैक देखने को मिलेगा, रिवर्सल करके जो एक तरह से नया हाई लगाने को जाएगा मार्केट, तो मार्केट तैयार होगा अगले 2 से 3 महीने में 23,500 तक के लेवल्स लगाने के लिए। तो पोजिशनली, स्ट्रक्चरली हमें लगता है कि ये वोलेटिलिटी में, इस डिप में बाइंग करे। और ओवरऑल अभी तक जो निफ्टी में प्रॉब्लम था वो बैंकिंग प्रॉब्लम, बैंकिंग बैंक निफ्टी से था। बैंकिंग स्टॉक्स, खास करके प्राइवेट बैंक, जहां पर सबसे ज्यादा पेन था, वो कहीं ना कहीं बॉटम बना के रिवर्स हुए हैं, और ये एक अच्छा संकेत है ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर के लिए। तो हमें लगता है कि एक तरफ रिलायंस, जो कि काफी स्ट्रांग है मार्केट के अंदर, रिलायंस में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, और साथ में जो पेन पॉइंट था मार्केट का वो रिवर्स हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्च सीरीज में हमें लगता है कि मार्केट का जो टेक्सचर है वो काफी पॉजिटिव रह सकता है। एक और चीज़ जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, HDFC बैंक परसों बड़ी बाइंग आई यहाँ पर, कल उसमें से आधा रिवर्सल आ गया और बाकी का आधा आज आ गया, तो वही ढाक के तीन पात, बैक टू स्क्वायर वन। क्या क्या व्यू बन रहा है अभी यहाँ पर? देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जो पहला बड़ा करेक्शन आया, उसके बाद में जो सेकेंड लेग ऑफ करेक्शन हमने देखा, तकरीबन 1480 से लेके जो 1400 के नीचे गया था, उसमें वॉल्यूम्स रिलेटिवली कम थे। और जनरली बेस फॉर्मेशंस, जब तक 2 या 3 बार अटेम्प्ट नहीं हो जाता है, एक टाइम कंसोलिडेशन नहीं हो जाता है, बेस फॉर्मेशंस थोड़ा बोल पाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, जब तक 13, जो इसका तकरीबन 14 फरवरी का लो था, 1363 का, जब तक ये लो इंटैक्ट है, मेरे हिसाब से HDFC बैंक में वापस बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी बनेगी। और कहीं ना कहीं इसका इंस्पिरेशन हमें निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स से मिलता है, जो कि रिलेटिवली काफी सुधरा है पिछले कुछ दिनों में। और जो बाकी प्राइवेट बैंक मेजर्स है, जैसे ICICI बैंक, जैसे एक्सिस बैंक, उनमें इंडिविजुअल सेटअप्स काफी मजबूत है। तो उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं HDFC बैंक शायद थोड़ा टाइम ले, लेकिन इवेंचुअली इसमें बॉटम बन के ये स्टॉक में एक प्रॉपर रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के लिए पॉजिटिव रह सकता है। जी, ऑफ कोर्स बैंकों की बात हुई, जो क्लियरली एक पेचीदा स्थिति में मार्केट को डाल रहा है, क्योंकि जहां लगता है कि रिकवरी आएगी, फिर वो रिकवरी फेल हो जाती है। टेक्नोलॉजी में आज सुबह में हमने एक्शन देखा, लेकिन उसके बाद निफ्टी IT ऊपरी लेवल से स्लाइड कर रहा है, लेकिन मिड कैप साइड पर बिरला सॉफ्ट, कोफोर्ट जैसे काउंटर्स में अभी भी इंटरेस्ट है ट्रेडर्स का। अब मुझे याद है आप कोफोर्ट को लेकर और बीसॉफ्ट को लेकर भी काफ़ी बुलिश रहे हैं। अब चार्ज क्या संकेत दे रहे हैं राहुल? क्या यहाँ पर अभी भी पोजिशनिंग मजबूती की तरफ रखी जा सकती है? या देखिए, IT स्टॉक्स में से जो खास करके जो Tier 2 स्टॉक्स है, उसमें कोफोर्ज का सेटअप आज भी काफी स्ट्रांग है। स्टॉक अपने 20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ओवरऑल रिलेटिव स्ट्रेंथ इस स्टॉक के अंदर काफी अच्छी देखने को मिल रही है। IT इंडेक्स में मुझे लगता है कि 1-2 दिन में एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, और कोफोर जो कि एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर सेटअप है, इसके अंदर हमें एक नया हाई लगता हुआ दिख सकता है। तो हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव है। पोजिशनली हमें लगता है कि 7,000-7,200 तक के लेवल्स कोफोर्स में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इस महीने नहीं, अगले महीने देखने को मिले, लेकिन सेटअप जो है यहाँ पर काफी मजबूत है। रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल है, और इसमें जो लॉन्ग पोजिशंस है उसमें आप पोजिशनली 6,200 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग में मेंटेन रह सकते हैं। ओके, तो 6,200 का स्टॉप लॉस लगाइए, लॉन्ग साइड की पोजीशन को होल्ड कीजिए। 7,200 का टारगेट कोफोर्ज पर आ रहा है। आपने रिलायंस मेंशन किया था, यहां से रिलायंस, L&T, स्टेट बैंक, ये तीन दिग्गज कितने क्रूशल रहेंगे मार्केट को, स्पेशली मार्च सीरीज में अपनी
यू नो रीसेंट ऊंचाई के पार रखने में और शायद वो 23,000 की तरफ एक अटेम्प्ट करने में? जी देखिए, पीएसयू बैंक्स बहुत ज्यादा मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और खास करके लीडर ने चाल दिखाई है। तो अगर एसबीआई का सेटअप देखे तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म यानी कि मैं इसकी सिंस इंसेप्शन वाले चार्ट्स की बात कर रहा हूँ, और वो ब्रेकआउट जो है वो इसी महीने यानी फरवरी महीने में हुआ है, तकरीबन 660 के आसपास का। तो मेरे हिसाब से एसबीआई अभी आउट परफॉर्म वाली कैटेगरी में जा चुका है, और आने वाले 3 से 4 महीने में मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलेगा। छोटे मोटे करेक्शन आएंगे, मार्केट कभी सीधे लाइन में नहीं जाते हैं, तो छोटे मोटे करेक्शन में बाय करने की चेष्टा करें। और जहां तक रिलायंस का बात है, देखिए रिलायंस में मुझे लगता है कि थोड़ा सा लाइक यू नो जो मंथली सेटअप है इसका काफी मजबूत है, पिछले 7-8 सेशन से थोड़ा साइडवेज जरूर हुआ है स्टॉक, लेकिन यहां पर भी हमें लगता है कि एक मोमेंटम मूव आना बाकी है। तो शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि तकरीबन 3,000-3,050 तक के लेवल्स, और एक मीडियम टर्म में यानी कि 2 से 3 महीने में हमें लगता है कि 3,500 तक के लेवल्स भी रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो स्टॉक क्लियरली हमें लगता है कि आउट परफॉर्म करेंगे निफ्टी 50 स्पेस में। एलएनटी में थोड़ा प्रेशर जरूर है, एलएनटी में इनफैक्ट मेरे हिसाब से नीचे का एक डाउनवर्ड टारगेट आना बाकी है। जो मेजर सपोर्ट एरिया है 3100 का एलएनटी में, अगर 3100 पे आता है तो वहां पर मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग के मौके देखे जा सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल अभी एलएनटी को हमने अवॉइड लिस्ट पर रखा हुआ है। ओके, तो एलएनटी अवॉइड लिस्ट पर है, लेकिन एसपीआई और रिलायंस क्लियरली वो तेजी वाले साइड पर बने हुए हैं। अच्छा, एक और स्टॉक जिस पर हमने रिसेंटली अच्छा इंटरेस्ट देखा था, भारतीय एयरटेल, अब आज करीब 3.5% करेक्ट हो रहा है, 1100 के आसपास आकर अटक गया, 100 पॉइंट दूर है अपने 52-week हाई पर, हाई से। क्या उसे रीअटेम्प्ट करने की क्षमता है इसमें या नहीं? उतनी स्ट्रेंथ नहीं है चार्ट पर? जी हाँ बिल्कुल, पिछले 2 दिन के जो मूव है, खास करके आज का जो करेक्शन है इसके अंदर काफी स्टीप है, और इनफैक्ट जो इसका एक सपोर्ट था 1100 के एरिया में वो ऑलमोस्ट इंट्राडे में ब्रेक हुआ है। आज अगर क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पर बाउंस बैक आ जाता तो मेरे हिसाब से स्टॉक एक बार के लिए संभल जाएगा और वापस 1150-1160 तक के बाउंस बैक देखने को मिलेंगे। लेकिन 1100 के नीचे की अगर क्लोजिंग हो जाती है तो इसमें मैं लॉन्ग पोजीशंस में खड़ा रहना एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि अगला जो नीचे में सपोर्ट है, जो क्रूशियल प्राइस सपोर्ट है, वो सीधा 1045 पर है। तो ऐसे सेटअप में आई थिंक सबसे बेस्ट यही होगा कि अगर जैसे ही क्लोजिंग बेसिस में क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक हो तो लॉन्ग पोजीशन में ना रहे, और अगर बाउंस बैक देखने को मिलता है, और बाउंस बैक हमें थोड़ा वॉल्यूम के साथ देखना होगा। अब तक तो आज की जो सेशन की वॉल्यूम्स हुए भारतीय एयरटेल के अंदर वो रिलेटिवली एवरेज वॉल्यूम्स है, मतलब ऐसे कोई बड़े वॉल्यूम्स के ऊपर नहीं गिरा, तो अभी तक कोई चिंता के संकेत नहीं है। लेकिन 1100 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये पूरे सेटअप में डेली चार्ट पे जो दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे लिए समय निकालने के लिए। राहुल कह रहे हैं कि इस गिरावट में वो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, होपफुली मार्च सीरीज में एक अच्छा खासा कमबैक देखने को मिलेगा। 21